और दिल को लुभावन वाली गुफ्तगु। मेरे मुराद फाजिल नौजवान फाजिल जलील सरमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकराम सैदी साहब मैंने को गुजारिश करे सा अपने खूबसूरत अंदाज के नाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ सुना कर सर को रोजान को मनवत करे सर जरा मोहब्बत के नाल नारे का जवाब दे सो नारे तकबीर नारे रिसाला नारे रिसाला नारे खिलाफत नारे हैदरी नारे खुशिया अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله الذي زين نبينا بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم ملے جنت پیوں کے کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا सिद्दीक वांगू सही कोई भी कह नहीं ते यारी में निभई भी कह नहीं नांग आमिर डगे डराए गए सिद्दीक खुर्री हलई भी कोई नहीं लाता हमदुर सना करी रबुल आलमीन वास्ते मालिक उद्दसमा मालिक लम्यजल मालिक हकीकी अजली अबदी हयुम तयुम मुमीयुम जिली शानदार मकाम मरात मरा मरा अल्लाह वहदहु ला शरीक है अल्लाह दी ज़ात विच कोई शरीक नहीं अल्लाह दी ज़ात विच कोई ऐब नहीं अल्लाह दी ज़ात विच कोई खामी नहीं सारे सोने अल्लाह का कोई शामी नहीं अल्लाह तो सिवा कोई लायक है इबादत नहीं अल्लाह तो सिवा किसी को सही का जायज़ नहीं ला तादा तो दरबाक सैया हिला मकाम बसमे कहना ताजदार खत्म नबूवत हसनैत करी मैं दे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व सल्लम आदि मुकद्दस बुलंद फकीजा बारगाह दर हदीए दरूद व सलाम तो बाद अल्लाह करीम ए महाना प्रोग्राम व सिलसिला की आदि शरीफ दरसे पुरा हुजूर किबला कारी मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी अलबारवी साहब इन दरू फका आलियान मोहल्ला व नमाजी इंतजामिया जितने भी हजूर के गुलाम रल के महफिल हिस्सा मिले सर अल्लाह बेहतर जान दे अल्लाह उन दरस के हलाल जो बरकत अजमत वसअत अता फरमा दे किबला फखरुल कुर्रा आलिम मोहम्मद हक नवाज सैदी साहब किस तरह के मोहताज ने क्यू टी वी जियो वगैरह माशाल्लाह सारे चैनल जा पढ़ चुके अल्लाह का कुरान और जाती तौर में रात भी नको अर्ज की तेज सली बड़ो कुराम राति पढ़ के अलामा इकबाल से वापस मिले तो इन्होंने जवानी की तिलावत की लाहौर के अंदर जाने अंदर किबला कारी करामत नईम साहब अल्लाह उन्होंने दर्जा बुलंद फरमावे सर बड़े मेहरबान हैं किबला सैयद सदाकत अली शाह साहब हाफिज़ुल्लाह ताला आप दीगर बड़े नाम कुरान इन्होंने जवानी की तिलावत माशाल्लाह सूरह यूसुफ ना पढ़ी है जरा सा मुझे थी ना वो अस कार ला के सुन दिए मेले इन्हें अपने बोलिया अल्लाह ने सलामत रखे सिर्फ किबला कारी साहब को इजाजत है मलिक यासीन साहब को छोड़ने मान सकते जब मलिक सलीम साहब मन ना गुलाम यासीन साहब तो एक बंदा देसी तो आपको इजाजत है वाला सारी कहीं सारी रात स
सुभान अल्लाह अल्लाह तो सलामत रखे बस आबाद रहो नबी की उम्मत नबी ना प्यार करने वाला उलमा सुलाहा जिस तरह तशरीफ फरमाओ छोटे बाल बैठे था है ते इन्ना दा हिस्सा भी मैं फिर चल ले इन्ना दा शोर भी बर्दाश्त करे सो चलो बंदे नहीं हमें छोटे आंदे ते इन्ना दी मेहरबानी है होने नाल आमद दे हिम्मत ते से तवज्जो लाई आज से हसबे रब्बे जल्लल्ला सिर्फ सारी तबीयत मिजाज उपासनी क्योंकि कुरान बदब नाम सुनना पाते
ਨਾ ਖਾਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰੋਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਟ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾਤ ਆਵੇ ਨਾ ਪਰ ਝੁਮਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਤੀਜਾ ਕਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਹਿਫਲ ਨਾਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੋ ਯਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੰਦ ਕਰਨੀ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਨੇ ਪਰ ਨਾਥ ਖਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦਾੜੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾਰੀ ਦਾ ਲਜ਼ਮ ਨਾਥ ਖਾਨ ਦੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੱਖਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਖਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਉਹ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾਥ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾਥ ਖਾਨ ਹੋਏ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ मिलाद पढ़ी एक खाब सुना एक हाजी लगे आया मैनु घुट के तू नाथ पढ़ता पै जा पर खड़ कहा लिखी बैठे ना थी छा इतना जा सही तरीके तरीके हाजी मके जो ठीक मिले हाजरी तरी हाजी तेरे घुट के दिल पहले हाजरी तरी ਪਰ
नसीब फरमाओ असा एटा मैसेज सिर्फ लज्जत वास्ते सुनाना है मौलवी अगर पैसे वास्ते तुसा दे लज्जत वास्ते मौलवी दा मुद्दा है पैसे ज्यादा दीवे मेला ज्यादा दीवे फीस ज्यादा मिले तुसा दे चस आवे चस करिए चस नहीं अमल वास्ते हो जे मैं घंटा जो तकरीर सुनी है मैं कहने मेरे पल्ले क्या पड़े जे पहले 100 कूड़ मरे ना मैं बनाई 100 कूड़ मरे ना वर फायदा क्या है पहले नमाज ना पढ़ता बयान सुन के नमाज नहीं पढ़ी वर फायदा क्या है पहले बात में गुस्ताखी करे ना मैं होनी बात में बंदे करता वर फायदा क्या है जे पहले कुरान शरीफ की तिलावत ना भी करे ना होनी नहीं करे ना ते फायदा क्या आया अपने आप ते हिसाब ते मुहासबा ना करना बंदे को तब्दीली ना देना एक बार दा कला सा पढ़िया खड़ो है ना लिखना ना आंदा होवे ओ कौन असि को पढ़िया लिखे तो जहल ते जिंदगी गुजर गई महफिल विच आने महफिल करेंगे नारे लेंगे लंगर पकेंगे सुभान अल्लाह आजे झूमजे वेला लेंगे ते मेरा भाई अगर तब्दीली नहीं आई तो वाली का मतलब है हाली नौकरी अल्लाह रसूल की बारगाह च कबूल नहीं थई अगर अल्लाह रसूल जे वर कबूल च की तावल दिल की दुनिया तब्दील थी वेली सुभान अल्लाह हर तब्दीली आती खौस और सकल है कंदील नूरानी महबूब सुबानी कुतुब रबानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु वरदा जिन्हां दे निस्बत नाल आप महाना प्रोग्राम करे ना ग्यारहवीं शरीफ का उन्होंने एक जुमला तो सुनो जो बड़ा मशहूर मारूफ है अम्मा क्या क्या मौला अली पाक हैदर करार शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम फरमाते हैं जो बे हया को तलवार ही कुछ नहीं आती हया वाले जवान को एक लफ्ज मार सके बंदे की तब्दीली का टाइम आवे तो एक गल काफी बंदा जब बदले वो मुकाबले में बात करने फायदा ना थी अबू जाल काबे में चलाना चौका बंदे का पुत्र बैठे अबू लाल काबिल हमसाया चौथा बंदे का पुत्र बने बिलाल विकदा विकदा का गुलाम सलमान फारसी पाकी थोले ईरान का शहर है फारस फारस जो टुकड़े बिलाल का घर में बिचो एक काबिल हमसाया बन के कुरैशी ठीक है अल्लाह दी लानत आने नहीं बदले तेरे जिन्ना दे रब राजी था है तोड़े विकते विकादे गुलाम हन बिटे महबूब दा बिटे मोहम्मद दा दीदार करेंगे गए सही दा कलमा पढ़ते गए आज जिन्हें का नाच है मेरा सारा हाथ चढ़ते निकले जिन्हें बाद है ता वो भी जानते बिलाल हफ्सी पाक को निकले जिन्हें बाद है वो भी जानते सलमान फारसी पाक को वजह क्या है उन्हें दी दौलत तो वजह नहीं जानते वो गुलाम है मुस्तफा है रसूलुल्लाह के सच्चे नौकर हैं अम्मा के हिक्का गाली काफी है पाको ओ करामात ओ ठटोरे ने ते ओ टोरे ने असईयो कौम को सुना सुना के तकते नहीं बथन देता जो कौम अगते ही बदया ओने दा तकवा ओने दी परेज गाली ते गौर करो इतना वडा मकाम मिल जा कीवे बया कीवे अम्मा मैं वेदा पिया पढ़ ताकि अम्मा पढ़न वन ए ओने मावा पढ़न वन लेकिन मेरी मेरे पुत्र मेरी गाल याद रखी कूड़ ना मारी ये मशहूर बात है ना तोरी सुनी हुई है कई बार मसला अमल दा है अगर त्री थी कूड़ मार के बंदे कूड़ मार के बोलते सहस पर समझेंगे वो अगर मैं कूड़ मार के बड़ा सियाना तू सियाना ने झूठे जो खुदा दी लानत है फलानतुल्लाह अल काजिमी सच में बरकत है झूठे ते अल्लाह दी लानत है झूठ विच हलाकत है सच विच अल्लाह दी रहमत है सच विच अल्लाह दी बरकत है सुभान अल्लाह मैं पता दूसरा डीजी खान ने आशिक की मैं दूसरा नहीं करना चाहते मैं बता रहा हूं तो यकीन है भैया इना ये वीडियो बना के ना मैंने बिरा फीस ना पहुंच रखे अतीक के नाम तेरा ते पर यूट्यूब पे चैनल बना जो अपलोड करे सो दुनिया सुन सी मैं तेरे नाल बात कीते ना हिंदी नाल कीते के दो त्रए बंदे तब्दीली आवे ताकि मेरी बख्शीश जीवे और मैं तो काम दे हाथ रख के सोते सो डोड़े ते डोड़े डोड़े ते डोड़े डोड़े ते डोड़े घंटे बाद की कोला देखे चलो मैंने भी उधर छपे थी मैं तो दुआ दे दा वन्या मियां डीजी खान ने आशिक रसूल में वेले नाल पूर दिते ने असल पर इस तले वाली चाहिए में वो मीटर ले दे ना डॉक्टर मीटर ला के चेक करे बुखार कितना है असा नाद खान बिल खसूस मेजबान पैसे जो लोगे लैटरी में जवान के गेट की ने थोड़े तो नहीं इथे इंडस्ट्री में जामन ना कटी बजा ते कौन का नतीजा के निकल तक कबाड़ा गए आधा क्या ऐसा निकाह दे टाइम मौली साहब कलमा दरा हौले हौले पढ़ाए तो पिछो माई कल में जरा ला मार और जदू जा कलमा पढ़ने नौजवान जल तक कम जा बैठा हुए 10,000 दी शेरवानी पाती बैठा हुए 5,000 दे कुल्ला पाती बैठा हुए 20,000 दे पाते दी जुत्ती पाती बैठा हुए 50,000 दे लाडो खरी पाती बैठा हुए ते बंदा के निकाह दे टाइम कलमा तो सुना मौली साहब तुसा को पढ़ियो मैं पिछो पढ़ता सा
ਚਾਸਨਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਇਹੋ ਕਲਮਾ ਸਾਡੀ ਬੇਸੇ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਬਤਲਾ ਹੈ ਕਲਮਾ ਦੁਆਏ ਕਰੂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਮਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਥਮਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆ ਕੇ ਥਮਾਵੇ ਇਮਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਰੇ ਬੜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵਫਾ ਕਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਉ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਅੱਬੇ ਕੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁੱਸੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਜਰੂਰ ਠਰ ਰਿਹਾ ਪਈ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥਵੇ ਨਾ ਖੜੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਠਰਿਆ ਆਪ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕਫਨ ਸੀਵਿਆ ਅੱਬੇ ਦੇ ਪੇਰ ਥੋਮਿਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਫਨ ਬਣਾਵਿਆ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਵਿਆ ਆਪ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮ ਕੇ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜਿਆ ਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਪੜਿਆ ਜਬੂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਠਰਿਆ ਹੁਣ ਚਾਰ चार धीरी पर कोई मिन्नत कहनी दुखे में पियो खाए जो नौकर बन के बैठा होवे मां नौकरानी बन के बैठी होवे मां दी जुल्लत ने ऊंचा लवावे पियो दी जुल्लत ने पुत्र के पास को हाथ लावे ओए पुत्र नहीं ओ बेगैरत है ओ बेहया के जमाने का कंजर है पुत्र ओए जेड़ा पियो दा मत्था चूमे बुढ़ी मां दे पैर खड़ा चूमदा होवे या जेड़े दी मैंने रात आवे तो सुभान अल्लाह शो पका के खैर कोई गाल नहीं तकरीर दा मैं कारे के सब बिलाल करम साहब बोले कि कड़ा मसला है नबी दा शरीर तो हक के सब तकरीर आई है भाई चढ़ी है जब पल्ले पेशा ना क्या फायदा है और सारे बंदे का हक ते मां को घर सीधा ना लवाना क्या फायदा है कोई फायदा सब तो बड़ा मुर्शिद बाप है पुत्र वास्ते सब तो बड़ा मुर्शिद हुंदे मां है ਜਾਨੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਨਬੀ ਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਪਕੜੀ ਵਤੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤਲੇ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਵਜੂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਦਰ ਪੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਬਣੇ पंद्रवासी बारह खाली के कहना तो कुरान मालिक बेली आदमी अलाल फरमाया पंद्रवासी बारह पंद्रह सिपारे दा रकू नंबर त्रै की आयत नंबर दो पिया पढ़दा खाली के कहना तो कुरान वक्फिर लहु मा जनाहा ज़ुल्म मिन अर-रहमा वकुल रब्बि रहमहुमा अल्लाह करी पता है पुत्र की तरबियत की में कीती है फरमाया वख्फिर लहुमा जनाहा ज़ुल्म मिन अर-रहमा अपने हाथ इज्जत नाल आजजी नाल इनकिसारी नाल अपने मां प्यो दी खिदमत विच ला सुभान अल्लाह इस आयत के हिस्से का पहले का मफहूम है वख्फिर लहुमा जनाहा ज़ुल्म मिन अर-रहमा अल्लाह करी फरमाए अपने मां बाप की खिदमत ज अपने हाथे गुलाम आयत के आखिरी से चल जाके फरमाए लव सुना कुरान दे बड़े प्यारे वकुल रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाह फरमाए वल मां पियो वास्ते हाथ चाके दुआ मांग अल्लाह जिवे मैं निकड़ा जड़ा सगीरा में निकड़ा बाला में मैदा मां ते पियो मेरे हल रब सुभान अल्लाह ए दर्जा कुरान दिते मेरी क्या जरूरत है वकुल रब इरहमहुमा अल्लाह मेरी अम्मा तेरे हम कर अल्लाह मेरे अब्बे तेरे हम कर कमा जैसा के जीवे जो रब्बा यानी सगीरा अल्लाह जीवे मैं निका सगीरा में अब्बा कमा के खेदा गई अम्मा पका के खवे दिए अल्लाह जी ने इन्हें बचपन च रहम की थे तू आज मेरे माँ प्यो तेरे हम कर
रात माल न समया यार आके जंगल खड़े थे ये माँ पूरी रात जागती है ए माँ है जब निंदर नहीं आती ए पुत्र बीमार जो थी वे आना अगर कोई प्यो को आके आना के जनाब पुत्र बीमार है वहाँ के मुल्तान डॉक्टर चंगा बैठे प्रोफेसर वहाँ के कोई गाल नहीं जब मुल्तान हो इलाज थिया कहीं अके लाहौर लगा मन हो सके लाहौर वैसा जे लाहौर वो ठीक नहीं थिया कहीं अके इस्लामाबाद लगा मन हो सके इस्लामाबाद वैसा वहाँ के कुली का कख न रहे मेरा घर बिक वजे कर्जा थी वजे एक तो मेरी जिंदगी का साह है मेरा पुत्र है जिको मैं मरदा तो नहीं देख सकता मैं पिंड सकता भीख मंग सकता पुत्र को यार जरा बाप इस कंडीशन तक पुत्र वास्ते पहुँच बजे तो डुब मरण का मकाम नहीं पुत्र वास्ते फिर वो बुढ़े पे तरसी निगाह नल खा देता बैठा हुआ पता नहीं पुत्र की नहीं अले सी भी सही है कहने अगर मैं गलत आधा बैठा तो मेरी सलाह करो मैं को आपको अब मल साहब तो गलत आधा बैठे तू को भाई तकरीर कर जो दर्श कुरान है तो अल्लामा कारी ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब की मेहनत ही है लोग आवे तो उन्होंने इशराक थी वे तो मैं हाथ जोड़ के पूछता जेरी माँ सारी रात पुत्र को हाँ ना ला के वाले पुत्र रोवे दस माँ ने जिगरे से क्या गुजर दिए जेरे पुत्र आवे ते माँ ना सीधा ना लावे ते पियो को सीधा मुंह ना देवे उस पुत्र ते अल्लाह की लाना थे उस पुत्र ते अल्लाह की रहमत है जे को बुढ़े बाबे की भी दुआ होवे बुढ़े अम्मा की भी दुआ हो असा सिर्फ और सिर्फ लज्जत वास्ते सुकून वास्ते ये मुआशरे दी हिस्सी है रोज खबर सुनो रोज अखबार पढ़ो ये अगली बार नहीं आया बता इकले फेसबुक पे तू सा चैट वाले जो कई दोस्त सुनिया उसी को मीडिया का दौर है अरे जानो सर एक आ दुआ के चिगरा पार चलेंगे रात के 12 एक बजे लाहौर के फैसलाबाद अड्डे लूटे बुजुर्ग खड़ा रात के 12 एक बजे ए पेट्रोलिंग पुलिस वाले बंदे अंकाश के होते ये बड़ा क्लिप था मेरे इंडिया लखा चाली दे विवरण मिलियन से बन के गए ओ मतलब साहब वो बूढ़ा खड़ा रात के 12 एक बजे पुलिस वाले पूछे बाबा तू कौन है कुछ जसूस है क्या है ते ओ नंबर लिखे बता वहां के मैं गया मैं कि नहीं पता नहीं उधर जेन तवाजो ठीक है या कोई ना ते मैं को अपना घर नहीं पे लंबदा नंबर है मेरे पुत्र दा फोन की ते पुलिस वाले वहां के भी तरह है अब्बा है पिया ते ए इतना खड़े किया तो घर कितना ओ आके कुछ नहीं कि नहीं टिकाओ जो सवेरे नाल घर आवे तो रात 12 बजे कोई मैं कितना गोला और वाल जे लोग पुलिस वाले पूछे ना बाबा जी को बिया का रिश्तेदार है वो सके हां मेरी धी है मैं धी का नंबर मैं को याद है वो लेना जे लोग धी का नंबर मिला ना पुलिस ने गाल की थी वो सके बेटी मैं पुलिस वाला बात कर रहा हूं कदर की वहां के डरना नहीं है आपके बाबा जट्टे पे खड़े 12 के टाइम वो कहता बेटी दा वहां के तो सहूने